स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर ट्रिमेंडस ट्री। इन फोर्थ पार्ट वी सॉ दैट द पीपल ऑफ सी ब्लॉक वेंट टू रेलिवेंट अथॉरिटीज टू कंप्लेन अबाउट द वाटर सप्लाई। देन फाइनली ऑन द कंप्लेन व्हेन द अथॉरिटी फोक स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, दे फाउंड नथिंग एंड it was clear that there was no fault of authorized people. Then again they started looking forward to getting to know about the problem, ki problem ki asli jad kya hai. So thoroughly they started doing the next step. Let's see what is the next step. Ab wo kya karte hain, we'll see in the next paragraphs. So we finished at but now. Now we'll start from this paragraph. The water supply folks just had to investigate more thoroughly. It was obvious that someone was stealing the water in our lane, but how? So what they decided that someone is there in their lane, कोई ऐसा है जो उनकी पानी की चोरी कर रहा है. सो गेट टू नो, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी. नाउ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड व्हाई एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु ड्यूली देन ड्रेन्स वर डग. नो देयर वॉज नो सीपेज, नो ब्रेकेज एनीवेयर. At last, there was only the furthest stretch to investigate, and yes, finally, they managed to unearth the very root of our problem. Now, when they start investigation carefully, seriously, so step by step, right? Duly means properly. हर चीज़ बहुत ही systematically उन्होंने start करी. And the first question they face that why someone will steal the water, पानी कोई क्यों चोरी करेगा. And the most important question क्या था for them to know is who will steal the water, कौन पानी चोरी करेगा. So now gradually step by step they start digging all the drains. सारी इन्होंने नालियों को खोदना शुरू किया. But what they get to know, what they see, there is no seepage, no breakage anywhere. So in the drains they don't find any seepage or breakage in the pipe mein koi seepage nahi hota, koi risav nahi hota hai, koi breakage nahi hota hai. At last there was only the furthest stretch to investigate. Then again they पुल देयर इन्वेस्टिगेशन अहेड, फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया. फर्दर स्ट्रेच मीन्स इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना. फाइनली दे मैनेज टू अनअर्थ द वेरी रूट ऑफ आर प्रॉब्लम. अगेन दे गो डीप इन टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. जो पानी की सप्लाई की जो मेन प्रॉब्लम थी उसको पाने के लिए वो और अंदर तक गए. अंदर तक मतलब और ज़्यादा सीरियसली उन्होंने जांच पड़ताल करी. एंड दे अनअर्थ मतलब डिस्क्लोज या फिर अनकवर्ड, किसी चीज़ को अनकवर्ड कर देना. सो फाइनली उन्होंने दे गेट द वेरी रूट प्रॉब्लम ऑफ दैट इशू जो चल रहा था उनकी कॉलोनी में, उसको उन्होंने ढूंढ निकाला. It was an amazing sight to see and one that I will never forget, a sight which everyone present at the occasion could not help but admire in spite of the trouble it had caused us all. अब क्या होता है? So when they get to know the main cause of the problem, they are surprised to see. वो surprised हो जाते हैं. And everybody who is standing there, they are saying, they are saying that the problem
which was troubling them, जिनको परेशान कर रही थी. Seeing that root cause, उस कारण को जान करके वो surprised हुए, instead of being angry, उस चीज़ पर गुस्सा होने के बजाय उनको बहुत surprising लगा, बहुत ही surprised हुए. And instead they admired that, वो उन्होंने उस जो root cause थी, जो main कारण था, उसकी उन्होंने सराहना भी करी. सो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी जिसको जानने के बाद भी लोगों ने उसको कोसा नहीं, उसकी बुराई नहीं करी, rather they appreciate that, उन्होंने उसकी बल्कि सराहना करी. द गुलमोहर, सो हियर द मीनिंग ऑफ एडमायर इज सराहना और टू प्रेज समवन इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद. एंड द मीनिंग ऑफ अमेजिंग इज सरप्राइजिंग या बहुत ही यूनिक हो. एंड द मीनिंग ऑफ फगेट इज भूलना. सो वहाँ पर जो यहाँ राइटर भी है, बिकॉज इन दिस क्राउड आर राइटर इज ऑल्सो स्टैंडिंग, शी इज सेइंग दैट आई विल नेवर फगेट दैट मोमेंट, दैट सीन जो मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी. कि लोग इस प्रॉब्लम को कोसने के बजाय उसको सराहना करने लगे. द गुलमोहर दैट आई हैड मैंशनड अर्लियर थर्स्टेड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ओनली दिस वन वॉज नो फेटलिस्ट हु स्ट्राइकली बोर ऑल हार्डशिप्स. नो, इट थर्स्टेड सो इट सेट आउट आफ्टर द वॉटर दैट वुड नॉट कम इट्स वे. अब क्या होता है, नाउ द राइटर इज सेइंग दैट द मेन कॉज ऑफ वाटर सप्लाई इज दिस गुलमोहर ट्री, जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया था. बिकॉज यू रिमेंबर जो राइटर थी वो कहती है पहले पानी की सप्लाई के बारे में बताती है, फिर गुलमोहर के बारे में बताती है. नाउ हियर ऑल्सो शी इज सेइंग दैट द गुलमोहर विच आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड और मैंशनड इन द बिगनिंग, सो दिस ट्री इज द ओनली कॉज, यही मेन रीज़न निकला उस प्रॉब्लम का. एंड वी हैव फाउंड दैट इट ऑल्सो वॉन्ट्स वाटर लाइक रेस्ट ऑफ अस, इसको भी हमारी तरह ही पानी चाहिए. थर्स्टेड मीन्स किसी चीज़ की डिज़ायर होना. दिस वन वॉज नो फेटलिस्ट बट वॉट शी सेज द राइटर सेज बट वी आर फेटलिस्ट्स बाय बर्थ बट इट इज़ नॉट. वो कहते हैं कि हम लोग भाग्य में भरोसा करने वाले हैं बट इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट फेटलिस्ट लाइक अस, हमारी तरह प्यासा था, इसको पानी चाहिए था, बट वो हमारी तरह भाग्य में विश्वास करने वाला नहीं था. ही दिस ट्री स्टॉइकली बेयर्स ऑल हार्डशिप्स, उसने अकेले ही इस प्रॉब्लम को स्टॉइकली वेरी कामली और बिना किसी को शो किए हुए उसको सहा और सहता सह रहा है. एंड फिर उसके बाद कोई कहता है, जब ये जो राइटर है ये लाइन बोल रही होती है, इन बिटवीन वन ऑफ द पर्सन्स हु इज स्टैंडिंग देयर सेज दैट इट थर्स्टेड सो इट सेट आउट आफ्टर द वाटर दैट वुड नॉट कम इट्स वे. अब वो बोलते हैं इनमें से कोई जन कि नहीं, इट ऑल्सो has desire of water and this is the reason it set out after water that matlab it started moving after the water which is not coming its way, jo ki iske raste mein pani nahi tha, us pani ki talash mein ye isne apna jagah badal diya. अब यहाँ जगह बदलने से क्या मतलब है, विल सी. क्योंकि पेड़ अपनी जगह बदल कर तो पानी लेगा नहीं जाके, बिकॉज ट्रीज के नॉट वॉक, वो तो चल नहीं सकते हैं. अब यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें फिर से लोग अलग अलग अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं. नो, यू विल से दैट्स इडियोटिक एंड इट वुड बी टू if I suggested that the tree uprooted itself and went for a merry walk in order to slake its thirst.
अब वो कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही इडियोटिक लगेगा, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लगेगा, बट इफ़ आई से this tree took its roots out, it uprooted its root, उसने अपने आप को अपनी जड़ें वहाँ से उखाड़ ली, एंड जल्दी जल्दी it started a merry walk to get the water. वो कहते हैं कि पानी, जो पानी की तलाश में उस पेड़ ने अपने को उस जगह से उखाड़ करके और जल्दी जल्दी उस जहाँ वहाँ चला गया जहाँ पर पानी मिलना था. स्लेक मीन्स टू क्वेंच, पानी की पानी पीना या प्यास बुझाना इज स्लेक. बट दैट्स नॉट वॉट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल. बोलते हैं दैट बट दैट्स नॉट वॉट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल. बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं है. वो कहती हैं कि जो अभी किसी ने ऊपर ये बात बोली है कि ये प्यासा था और इसीलिए इसने अपनी जगह बदल ली, जहाँ पर पानी आ रहा था उसने वहाँ पर वो अपनी जगह बना ली, वहाँ पर चला गया. लेकिन जो राइटर है वो कहती हैं कि बिल्कुल इडियोटिक सा है अगर हम लोग ये कहें कि ये पानी की तलाश में वहाँ से उखड़ गया, अपने आप को उखाड़ कर एक जल्दी जल्दी, यू नो, मेरी वॉक का मतलब होता है ब्रिस्क वॉक, जल्दी जल्दी चलना, और जल्दी जल्दी चल के अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने अपनी जगह बदल ली. बट दैट्स नॉट वॉट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल. वो कहती हैं कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ. Obviously the tree could not walk, ये चल नहीं सकता है. So what it did do was to send its probing army. वो कहती है कि इस ट्री ने क्या करा, पानी को पाने के लिए इसने अपनी आर्मी को भेजा. प्रोब का मतलब होता है एग्जामिन या फिर जांच पड़ताल करना. So this tree sends its army to check the things. इसने अपनी आर्मी को भेजा. एंड हु इज़ इट्स आर्मी, कौन आर्मी है, इट्स रूट्स, इसकी जो जड़ें हैं इसकी आर्मी है. टू वेंचर फोर्थ एंड अनअर्थ अ वाटर सोर्स एंड ब्रिंग बैक एसेंशियल सप्लाइज. Dutifully the roots struck out in the correct direction. And when this tree, Gulmohar tree, sent its army to get the water, army क्या था, उसकी जड़ें. तो उसने जब अपनी आर्मी रूपी जड़ों को जांच पड़ताल के लिए भेजा to get the water, so finally dutifully क्या हुआ, essential supply, पानी की essential जो ज़रूरत की supply है, तो ड्यूटीफुली इट्स आर्मी ऑल्सो डिड इट्स वर्क. उन्होंने अपना काम करा, ड्यूटी पूरी करी, एंड द रूट स्ट्रक आउट इन द करेक्ट डायरेक्शन. एंड फाइनली रूट्स रीच द करेक्ट डायरेक्शन, और उनका जो डायरेक्शन था सही डायरेक्शन में वो चली गई. राइट, सो हियर because of the roots this tree has got water, right? So now I'm stopping it here for today. The question is, whom the tree sends to get the water? Tree किसको भेजता है पानी को पानी ढूंढने के लिए? Now the next question, did the tree uproot itself and went for a merry walk to get the water? क्या जो tree था उसने अपनी जड़ों को उखाड़ के और एक जल्दी walk करके पानी की तलाश में वहाँ से चला गया? Now these two questions you need to answer when you watch this video. Thank you, children.